Hi, my name is Mary. Today FM plays the best music in Lambasa. Today FM rocks. My name is Thomas. I'm here in Nakasi and I like to listen to Today FM because it rocks. And my name is Milenia. Today FM rocks here in Singotoka. My name is Enrique and Today FM rocks here in Tawa. My name is Mary Jane. I love listening to Today FM here in Ba. Today FM rocks. My name is Ilai Tiambale and I love listening to Today FM. Today FM rocks here in Osur. Today's hit music on Today FM. नमस्कार फिजी समाचार दर्शन के साथ मैं हूं कृतिका कुमार। फिजी मेट्रोलॉजिकल सर्विसेज ने अनुमान लगाया है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन मोना कैटेगरी 2 ट्रॉपिकल साइक्लोन में परिवर्तित हो सकती है। टीसी मोना जैसे जैसे फिजी की और करीब आएगा वो अगले 24 से 38 घंटों में शायद और ताकतवर हो जाएगी। अगर ये इसी मार्ग पर रहा तो आज रात 10 बजे ये सिस्टम रतुमा के साउथ ईस्ट में 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित रहेगा या लंबासा के नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में 490 किलोमीटर की दूरी पर स्थित रहेगा और कल सुबह 10 बजे ये लंबासा के नॉर्थ वेस्ट में 490 किलोमीटर की दूरी पर स्थित रहेगा। रतुमा में अगले 6 से 9 घंटों के बीच में विनाशकारी हवाएं चलने का अनुमान लगाया गया है जबकि ट्रॉपिकल साइक्लोन मोना साउथ की दिशा में फिजी ग्रुप की ओर बढ़ रहा है। फिलहाल वनवालेवु में मुख्य नदियों से जुड़े निचले इलाकों तथा नालों में बाढ़ चढ़ सकती है। 120 पुलिस ऑफिसर्स को इमरजेंसी ऑपरेशंस के लिए स्टैंड बाय पर रखा गया है जबकि साइक्लोन मोना देश की ओर बढ़ रही है। पुलिस चीफ ऑफ ऑपरेशंस एसीपी मारातिनो ग्यूलेवु ने कहा कि भले ही फेस्टिव ऑपरेशन जारी है हमें नहीं भूलना चाहिए कि हम साइक्लोन सीजन में हैं। नांदी मेट्रोलॉजिकल ऑफिस से चेतावनी मिलने के बाद पुलिस ऑफिसर्स के टीम को एस्टेब्लिश किया गया था। इन ऑफिसर्स को सिचुएशन को देखते हुए डिप्लॉय किया जाएगा। फिलहाल नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिस अब पब्लिक अवेयरनेस पर फोकस कर रहे हैं। लेवन एंगीला ने पुष्टि की है कि चारों डिविजन्स में इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स को एक्टिवेट कर दिया गया है। पीपल्स कम्युनिटी नेटवर्क के लांगी लांगी हाउसिंग प्रोजेक्ट के शिकायतों को लेकर प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है। सरकार ने पीसीएन के साथ इस प्रोजेक्ट को 10 साल पहले शुरू किया था ताकि वे जीतू एस्टेट में रह रहे लोगों के लिए अच्छे घर प्रदान कर सके। पीसीएन को सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए 12.7 मिलियन डॉलर्स दिया था हालांकि काम पूरा नहीं किया गया है। फिजियन कॉम्पिटिशन और कंज्यूमर कमीशन इन्वेस्टिगेशन को लीड कर रहे हैं जबकि उन्हें पिछले साल अक्टूबर से काफी शिकायतें मिल रही थी। मिनिस्टर फॉर इकोनॉमी अयास सैद कयूम ने बताया था कि पीपल्स कम्युनिटी नेटवर्क के पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है कि सरकार के पैसों का इस्तेमाल कैसे किया गया है। छानबीन कुछ महीनों में समाप्त हो जाएगा। और खेलकूद के खबरों में फिजियाना वीमेंस सेवंस टीम में कुछ मेजर सुधार की उम्मीद की जा सकती है जबकि नए हेड कोच सयासी फूली को अपॉइंट किया गया है। टीम ने आज शाम फूली के साथ सुवा के अल्बर्ट पार्क पर पहला ट्रेनिंग सेशन अटेंड किया। फूली ने कहा कि अन्य नेशंस की तरह टॉप लेवल पर होने के लिए फिजी को गाइडेंस की जरूरत है। फूली ने कहा कि वे उनके प्लेइंग स्टाइल में भी कुछ चेंजेस करेंगे। और ये थे आज के मुख्य समाचार। इन खबरों के लिए आप रेडियो फिजी 2 और मिर्ची एफएम भी सुन सकते हैं। शुभ रात्रि। Hi, I'm Nazrin from Missouri Jets. I love listening to Mirchi FM. Mirchi FM is hot. Mahen, rugby tone Singatoka se. Singatoka am khali Mirchi baje. Mirchi bahut garam hai. Main Mala Lambasa se. Main hamesha radio Mirchi sunti hu. Mirchi FM, it's hot. हमारा नाम मुनिंद्रा है और हम मलेले ताबा में रहता है और एवरी टाइम हम मिर्ची एफएम सुनता है। इट्स रियली गुड। माय नेम इज नितिन नारायण, आई एम फ्रॉम नकासी। आई लव लिसनिंग टू मिर्ची एफएम बिकॉज़ मिर्ची एफएम इज हॉट। मिर्ची एफएम, इट्स हॉट।